राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक बाल भारती के पाठों पर आधारित कार्यक्रम। साहसी बालक। चंद्र का घर एक घनी बस्ती में था। वो प्रतिदिन बस्ती की पाठशाला में पढ़ने जाया करता था। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो पाठशाला से आकर थोड़ा खेलता और फिर पढ़ने बैठ जाता। आज पाठशाला में पूर्णचंद्र खेलते खेलते बहुत थक गया था। उसने सोचा, खाना खाकर कुछ देर आराम करूंगा, फिर पढ़ूंगा। पूर्णचंद्र थका हुआ तो था ही, जैसे ही चारपाई पर लेटा उसे गहरी नींद आ गई। नींद में उसे कुछ लोगों के भागने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। वो घबरा कर उठ बैठा। सचमुच लोग चिल्ला रहे थे, आग 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 आग, बस्ती में आग लग गई है। पूर्णचंद्र भी उधर ही भागने लगा। उसने देखा कई झोपड़ियों और मकानों में आग लगी हुई थी। आग पूर्णचंद्र की पाठशाला की ओर बढ़ रही थी। इतने में पाठशाला की छत पर एक जलती हुई लकड़ी आ गिरी। पाठशाला का दरवाजा बंद था, उस पर ताला लगा हुआ था। पूर्णचंद्र ने कुछ सोचा। वो झट बांस के लट्ठे के सहारे छत पर चढ़ गया। फूस की छत तेजी से आग पकड़ रही थी। पूर्णचंद्र ने जलता हुआ फूस फेंक दिया। लोगों ने फूस पर पानी डाला। आग बुझ गई। पूर्णचंद्र ने अपनी पाठशाला को जलने से बचा लिया। इतने में आग बुझाने वाले भी आ गए। जगह जगह पानी डालकर उन्होंने बस्ती में लगी आग बुझा दी। भारत सरकार ने 26 जनवरी को साहसी बालक पूर्णचंद्र को इनाम दिया।
साहसी बालक। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, विषय संपादक संयुक्ता लूद्रा और सत्येंद्र वर्मा, कार्यक्रम निर्देशन प्रभु दयाल खट्टर, कलाकार अरिदमन शर्मा और गौरव, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।